मेरी लास्ट संडे राइड हो सकती है फिलहाल के लिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या मतलब हुआ, वो क्या मतलब हुआ? लानत है यार ऐसी राइड पे, क्या मतलब होता है यार, मेरे को जाना ही नहीं है ब्रो। इसकी गाड़ी फंस गई ब्रो। सो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सब मजे में होंगे। सो गाइज, आज मैं बहुत जल्दी में व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, एंड आज है संडे, तो आज आपको व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज आपको पता है संडे के दिन एक बॉम्ब सी राइड होती है एंड खतरनाक सी राइड होती है। सो आज भी रोज की तरह लॉन्ग राइड ही हो रही है। सो अभी हम निकल चुके हैं, आदिल भाई आगे वेट कर रहे होंगे शायद से, ठीक है? क्या पता वो आया भी होगा, बट लेट बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह से ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब ऑलमोस्ट प्लान कैंसिल ही होने वाला था, लेकिन बच गया। बंदा फाइनली आ चुका है यार, इसने बहुत ज़्यादा वेट कराया यार, कसम से लेट हो गया, क्या कर रहा है? निकल चुके हैं, आई डोंट नो यार, कैमरा की बैटरी के साथ कुछ इशू आ रहा है यार, ये चार्ज ही नहीं हो रहा है, ठीक है? दो ही सेल बचे हैं यार, क्या मुसीबत है। इसी दिन यार, संडे के दिन हमारे साथ ऐसे कांड क्यों होते हैं? सो आज व्लॉग लंबा होगा, लेकिन देखना पूरा है, बिल्कुल नहीं काटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक भाई, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो मैं आज निकलता नहीं, लेकिन ये मेरी लास्ट संडे राइड हो सकती है फिलहाल के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं यार, सो उसी वजह से आज निकलना ही पड़ा। फाइनली निकल रहे हैं इधर से। ओह ठंड हो रही है यार, काश आज धूप होती, कसम से मज़ा आ जाता। लास्ट व्लॉग में ना आपने अच्छे से ये नहीं देखे थे, क्योंकि उस टाइम लेट हो गया था। सो चेक करो, ऑरेंज, थोड़ा ऑरेंज रेड टाइप का है, एंड ब्लैक ऑरेंज, मतलब बाइक के साथ मैचिंग कलर है। सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ यार, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप लोग बस यार थोड़ा सा ही देखते हो फिर काट देते हो यार, वैसे आपको भी मज़ा नहीं आएगा एंड मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? सो पूरा देखना यार, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन बहुत बवाल सी राइड हम करते हैं, जैसे आपको पता होगा। सामने ट्रैफिक वालों का नाका इधर ही से लगा हुआ है, थोड़ा सा डलवा देते हैं। ओह ओह क्या कर, इधर नहीं है, इधर पेट्रोल ही नहीं है यार। सुबह यहाँ पे करा लेते हैं फ्यूल अप पहले। सुबह ही मैंने फ्यूल अप करा लिया है, तो अभी इनको करना है, ठीक है? सुबह इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं व्लॉग बना रहा यार, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, बोल भाई क्यों नहीं बना रहा है, क्या ना वजह क्या है यार व्लॉग बनाना, या आगे से स्टार्ट करेगा, ये क्या ड्रामा है? क्या मतलब दिखेगा नहीं, वो क्या मतलब हुआ, वो क्या मतलब हुआ, ये क्या बोल रहा है कि मैं दिखूंगा नहीं, मैं भगाऊंगा कुछ, ये लानत है यार ऐसी राइड पे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार, चलो घर यार, मजबूरी क्या है, बोल रहे मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ हरी पर्वत में मिलूंगा, साथ चल सकते हो, चलना, नहीं चल सकते हो, नहीं चलना, क्या मतलब होता है यार, मेरे को जाना ही नहीं है ब्रो, मैं वापस घर ही जा रहा हूँ, फजूल यार कसम से मूड खराब कर देते हैं। अबे इंडिकेटर देना यार, क्या कर रहा है, नहीं पकड़ रहे, मूड खराब करके जाने का कोई मजा नहीं होता, ठीक है? मूड खराब हो गया तो हो गया भाई, मैं नहीं आऊंगा, कहीं भी नहीं आऊंगा। अभी मैं जाके डैम्पिंग पे बैठ रहा हूँ, वो कॉल कर रहे हैं कि वापस आइए, उनका भूल ख्याल है कि मैं वापस जाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? उसके बाद जो हो ना वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखा करो। अभी मैं निकल रहा हूँ इधर से, तो शायद मैं पूछ कर जाऊँ यार, एंड मेरा मूड भी ठीक नहीं है, घर में भी अकेले बंदा फट जाएगा, अभी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, गुस्से में मैं कुछ भी कर देता हूँ, इसलिए मैं अभी आराम से चलूँगा यार, ताकि कोई सीन ना हो, क्योंकि गुस्से में मेरा फिर दिमाग काम नहीं करता है। पहले टायर में हवा भरवा देते हैं यार, क्योंकि वबल बहुत ज़्यादा कर रही है, मैंने परसों निकाला था थोड़ा सा।
सुबह हवा डलवा दी है, सो अभी निकलते हैं इधर से। अब ठीक चल रही है, अभी मैं जा रहा हूँ सीधे घर ही, तो अगर बाद में मैं गया कहीं देखते, अगर मैं गया तो बाद में ही मिलेंगे फिर। बस बस बस, चलो भाई अभी हम निकल रहे हैं घर से। आदिल भाई कॉल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं मैं बीमार हूँ, इधर ही आ जा, ठीक है। सो अभी उधर चलते हैं यार, वो जम्मू से रात को ही आए हैं। बंदा यार बातों से बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था भाई, मैं गया था लीन पे नीचे यार। तू क्या हेलमेट लगा के बाहर आया? तूने जब बोला मैं बीमार हूँ, एक्टिंग करने के बगैर तू इधर आता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक्टिंग से हो रहा है, आज रात को इधर ही फंसा था। अबे यार मैं तो कहीं नहीं जा रहा, आज रात को तो इधर ही है। तू पागल है कसम से यार, झूठ क्यों बोलता है? कैसी लगी एक्टिंग? छोड़ तू, झूठ क्यों बोला तूने? तू आता ही नहीं, मुझे कहीं जाना था कसम से, तेरी कसम। तू भी नहीं भाई, इतना बड़ा रात को नहीं, रात को मुझे कहीं जाना है। अभी आदिल भाई और मैं निकले हैं घूमने, पता नहीं इसको क्या आज खुमार चढ़ा था बाइक पे घूमने का। हम पहुंच चुके हैं सिद्रम, सो यहाँ से थोड़ी खींचते हैं आज, क्योंकि आदिल भाई के साथ मतलब पता है क्या सीन है, ये ना बहुत सही से बैठते हैं एंड इनको पता है कहाँ पे क्या करना है एज ए पिलियन राइडर, ठीक है। सो इनके साथ कोई टेंशन नहीं रहता भगाने का, आजकल यहाँ से भी ना काफी नाके लगते हैं। लेकिन जब आदिल भाई आज इनका मूड है ना बाइक चलाने का, ये बहुत गंदी भगाएगा। एंड मेरी ना देखो ये नहीं डरता पीछे, ठीक है, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा फटती है एज ए पिलियन राइडर। सो मैं यही दुआ करूंगा कि ये आराम से ही चले। आदिल बिल्कुल नहीं डरता यार पीछे से, मजा आ जाता है, लेकिन जब ये चलाता है एंड मैं पीछे बैठता हूँ ना, मेरी बहुत ज्यादा फटती है। आदिल भाई और मैं आए हैं तो आपको पता ही, हम जाएंगे कहाँ, अपनी जगह पे। ओह आंटी जी, यार क्या हो गया इनको? हम पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे, इधर पे आज लड़कियां है यार कुछ हमारी जगह पे कब्जा मार दे। हियर इज आवर फेवरेट लोकेशन, बाकी अपने साथ है अपनी पांडा। तो ठंड है आदिल भाई, जम्मू से इधर आके क्या लग रहा है? क्योंकि तूने जैकेट पहने हैं, मैंने स्वेटर पहनी है ब्रो। सो भाई फाइनली हम अभी अपनी फेवरेट लोकेशन को कर देते हैं अल्लाह हाफिज। एंड देखो बंदा बाइक चला रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ भाई देख मेरी बात सुन, आराम से चलना, ठीक है। तो मैं नहीं आ रहा, फिर मेरे को सीधे ही बोल भाई, धुआं उठा दिया, नहीं नहीं आ रहा, इसकी गाड़ी फंस गई ब्रो। ओ भाई आग लग गई गाड़ी पर, रुक रुक रुक। सो भाई ये है हमारा फ्रेंड एक, ठीक है। सो इसकी गाड़ी फंस गई हुई है, सो इसको निकालते हैं पहले यार, टायर पूरा जला दिया इसने यार। सो भाई चेक करो, फाइनली चढ़ा दिया वहां से, तो चढ़ाई अब निकल गई यार, गाड़ी निकाल दिया भाई। ये था अपना ही फ्रेंड, तो सोचा हेल्प कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि भाई हेल्प सबकी करनी चाहिए, फ्रेंड नहीं होता ना तब भी हेल्प करते हैं। आराम से भाई, मेरी दिल की धड़कने तेज इतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि भाई इसका क्या है ना, ये जब भगाते हैं ना तब ऊपर वाला ही बचा इससे। सो भाई अभी मैं पीछे से खड़ा हो गया हूँ, तो पता नहीं भाई कहाँ पे लुटका देगा ये बंदा, मैं पहली खुद जाऊंगा भाई, मेरे को अपनी जान प्यारी है, मेरे को बचाओ यार, मेरे को बचाओ यार, सच बता रहा हूँ कसम से। मैंने अपनी बाइक में ना 117 टच करा है, बंदे ने आज 120 टच कर दिया, और वो भी लीन 120 पे इसने जब मारा ना, मेरी फटके चार होगी कसम से यार, मैं क्या बताऊं यार, 120 पे कौन लीन मारता है यार, शत्रुना में वो जो सबसे गंदा करो है ना, वहां पे इसने 120 पे लीन मारा। आप मैं एमडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था इसी लीन पे, तो मैं एमडी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो शेयर करे उस एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में। घर मैंने आपको पहले ही बोला ना, मैं पीछे से डरता हूँ यार, ऊपर से बहुत, ये जब ये भगाता है ना फिर ऊपर वाला ही उससे बचा। ये देखो भाई, लीन मत मारना, चल लीन नहीं मारना हमें भाई, इसको कर देते हैं अल्लाह हाफिज, ठीक है भाई, कभी तेरे पीछे नहीं बैठना है ब्रो। ये मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि इसके पीछे नहीं बैठूंगा, लेकिन फिर मजबूरन बैठना पड़ता है, ठीक है। फैसिलिटीज के प्रोवाइड करते हैं आपको, गाड़ियां देते हैं, जो आपने हालत देखी क्लिप में गाड़ी की क्या की थी, तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी ना करें, फैमिली वाले ट्रस्ट पे आपको गाड़ी देते हैं, ऐसी आड़ में आके ऐसा कुछ मत करें, वो
जो बंदा था वो हमारा दोस्त है, लेकिन उससे जो हालत की उस गाड़ी की, कसम से उसको भी फील हुआ, मुझे भी फील हुआ, लेकिन एक गाड़ी में भी जान होती है भाई। भाई ये क्या भाई, पांडा को चुम्मे करने लग गया। आज के व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं एक मस्त से प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।